चढ़ता रहना देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू बुढ़ा खेड़ा और अजय बुढ़ा तरफ तक कैथल वाली प्यार भरी मिठी मिठी राम राम। आज अपना दिखाएंगे भाई भारतीय किसान यूनियन हरियाणा धन्ना भगत एक अलग संगठन बनाया होशियार सिंह गिल जी ने। और नौबत क्यों आएगी संगठन बनाने की, पहले काम कर रहे थे चढ़ौनी ग्रुप में। होशियार सिंह जी स्वागत है आपका चढ़ता हरियाणा पर। जय जवान जय किसान। सबसे पहले तो आपका भी धन्यवाद और आपको बहुत बहुत बधाई। जैसे आपने नया चैनल स्टार्ट करया, हाँ जी, इसी तरह हमने अपने नई यूनियन बनाई, हमारी भी शुरुआत है आपकी भी शुरुआत है। दोनों आगे बढ़े हैं, हम भी और आप भी, आप हमारा साथ दोगे हम आपका देंगे। अच्छा होशियार सिंह जी एक बात बताओ, हमने तो चैनल नई शुरुआत करी है, हाँ जी, नई, आप तो किसी संगठन से पहले जुड़ रहे थे, हाँ जी, और बहुत बढ़िया काम भी कर रहे थे आप चढ़ौनी ग्रुप में। एक मैं ये बात कह सकूँ कि चढ़ौनी ग्रुप के आप एक मजबूत स्तंभ थे, अलग होने की नौबत क्यों आएगी, अलग क्यों हो गया पुष्ट? देखिए अब मैं इनेलो में चला गया था। अच्छा, चौटाला साहब अभय सिंह ने काफ़ी दिनों से संपर्क में थे, बंदे भेजे, फोन भी करे, वे आप आए एक बार मिले थे। चलो उन्होंने एक जब अपना आंदोलन चला हुआ था नहीं, उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, एक सीट त्याग लगी हुआ भी छोड़ दी। 560 MLA हैं हिंदुस्तान में, हाँ जी, 5400 अकेला पहला MLA था जिसने इस्तीफा दिया किसान आंदोलन के समर्थन में, इस्तीफा दिया समर्थन में, और करोड़ रुपये अपने चंदा केयर भंडारे में और दो हॉस्पिटल खोल ले। अच्छा भाई उस आदमी ने भी तो उसका भी तो अहम भूमिका है, मतलब जो अभय ने किसान आंदोलन में साथ दिया, आप उसी तरह इंस्पायर हुए थे कि भाई मैंने तो अब अभय का साथ देना है। वो तक वैसे गए थे, चलो पार्टी में तो हर कोई है, हाँ, फिर अखबार में निकलवा दी चढ़ौनी साहब ने भाई होशियार सिंह के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है, कम से कम उन्होंने फ़ोन करना था, पूछना था। वो बोले मैंने मेरी पार्टी बना ली, मैं प्रधान जी पार्टी तो नहीं चाहे कोई बना लियो, ऐसे नहीं चले कर दी। ये 10 साल कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है वो बैठी है, 15 साल 20 साल तक इन्हें लो बाहर बैठी है, ऐसे नहीं चलता। माँ अगर आपने करनी है नहीं, किसी एक पार्टी ने पकड़ लियो, आप एक बार MP बन जाओ और ऊपर जाओ, आप आवाज़ उठाओ तो आपका भाई पता चला बहुत बढ़िया आवाज़ उठा रहे हैं, अगर आप पार्टी बनाओ चाहे किमें बनाओ, एकदम तो बनता नहीं। वो बोले मेरी पार्टी में हुआ करो, माँ जी बस हमने वहाँ आस्था रखी है, उन्होंने अखबार में कटवा दी भी हमारा कोई लेना देना नहीं। उसके बाद फिर जितने भी अपने कैथल में तो है ही, अपने जो जीरो से उठाई थी, पूरे हरियाणा में भी हाँ काफ़ी लोग जुड़े हैं, वो बोले भाई घर ना बैठा, काफ़ी मेहनत करी थी आपने, ये बोले भाई अपने यूनियन बना, अपनी ईमानदारी से काम करें, हम आपका साथ देंगे। अब कई जिले में जिलाध्यक्ष बन चुके हैं और पूरा हरियाणा में बिना पर्ची बिना खर्ची की यूनियन बनाकर काम करेंगे। अच्छा एक बात होता होशियार सिंह जी, जितने भी किसान के संगठन बन रहे हैं नहीं, जितने भी यूनियन बन रही है, मतलब सपना सबका एक है, मुद्दा सबका एक है कि भाई किसानों की आवाज़ उठानी है, जो मतलब दब रहा है, जिस जो भी मतलब प्रॉब्लम आया है इन किसानों ने उसने उठाने का आप काम करो, सारे संगठनों का एक ही काम है, तो एक झंडा और एक डंडा ने सब क्यों नहीं इकट्ठे होने पा रहे? भाई जी सारे इकट्ठे होंगे तो आप तैयार हैं सबसे पहला। अच्छा अब पहले भी काम करे संयुक्त मोर्चा भी साथी थे, हाँ, अब चढ़ौनी साहब बाहर निकाल दिया था हमने, तो चलो भाई माँ चल मारा बुजुर्ग है उसके साथ, और फिर भी उसके बिना ऊपर को कभी जाया कर दे समाज का कोई काम नहीं करता। अब आज भी पहले भी थे और आज भी साथ, आज भी संयुक्त मोर्चा में जथेबंदी मेरा नाम लिख दिया, आगे जहाँ भी प्रोग्राम हो जैसे 20 मार्च में दिल्ली कूच होगी उस प्रोग्राम में भी जाएंगे, और मार्च का पहला हफ्ता में यहाँ पर एक नीम साहब गुरुद्वारा में मीटिंग रखेंगे सभी संगठनों की, सभी को बुलाएंगे भाई 20 मार्च जो दिल्ली कूच है उसको कैसे सफल बनाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचें और सरकार पर दबाव बनाया जाए। और जो आपने एक बात और पूछना चाहोगे, चढ़ौनी साहब हैं भविष्य में पंजाब में चुनाव लड़ा, किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी और आए के पंजाब में घुसड़ गए, मतलब जो भीड़ थी नहीं बहुत ज़्यादा भीड़ थी, वो वोटों में क्यों नहीं करण पाते कोई भी किसान नेता हो गया आज तक के जितने भी रहे हैं नहीं, मतलब भीड़ तो रैलियाँ में बहुत दिखा दे हैं किसानों की जितनी रैलियों में हैं, लेकिन वो वोटों में तब्दील नहीं होती, क्यों नहीं होती है? देखिए कहाँ कमी रहा है ऐसी? उस टाइम कुछ और माहौल होगा, अब फाण हो गए तो एक बार फाण आए पछा फिर दोबारा तो नहीं आंदा, वही बात तो नहीं बनती, ये तो फाण हो किसी भी उसमें छत्ती बरादरी सारे सभी पार्टियों के लोग आगे आवे, जब पार्टी बनाओगे नहीं फिर तो बिखर जाते हैं, या फिर जितने अपने जथेबंदी थी पंजाब की उनके साथ में एक साथ काम करते, पहले तो वो नट गए फिर उन्होंने पार्टी बना ली,
एक बार बैल सिलिकड़े पास से फिर तुझे काम। और एक बात और कहूँ, लोग मतलब जो छोटे किसान हैं जो मतलब मुद्दों से जुड़े हैं, आप जैसे नेताओं का साथ दे में हैं, पाश्चात है उनके हाथियों के जो खाली खाली रह जाए हैं, जो भी हो है निका सारे नेता इसे ले जाए सारी बातें, क्योंकि भीड़ इकट्ठी कराए धन दौल फूके में हमें गाड़ियाँ भाड़े कराए लेकर ट्रैक्टर ट्रैली ले गए, लेकिन वे न्यू के न्यू रह ले हैं पाश्चात है, उनकी कोई नहीं पूछता। देखिए हमने तो 2015 में लग गए थे यहाँ, 27 लाख की जगह 47 लाख लेकर उठे थे, उस टाइम चढ़ूनी साहब भी थे और सुरेश कौर जी भी थे और सारे जितने भी 8-10 गांव थे हमारे साथ सभी का फायदा हुआ था। फिर 1.5 करोड़ रुपये लेकर एक मैनेजर बाज गया था कॉरपोरेशन बैंक पुंडरी, वहाँ हमने लड़ाई लड़ी, सभी के पैसे दुआए, आज तक हमने तो इसी को बात देखी नहीं ना करी। और मुद्दा उठाओ, चलो ये तो एक दो आदमी अगर गलत कराए तो फिर सारे उसमें लिबड़े हैं। एक रुक कर बढ़ रहा पूरा क्लैथल कम है, अकबाई अभय सिंह ने तो होशियार सिंह गिल की टिकट गोजी में घाल दी पक्की कर दे, इस बात में कितनी सच्चाई है जी? ये तो राजनीति है, पल पल में समीकरण पलटते हैं। हाँ, चौटाला साहब की 2 बार सरकार आती होती, धन धन सतगुरु जी ने किसी ठेस पहुँचाई, अच्छा रातों रात भी हो जाए तो अच्छा। ये तो ऐसी कोई बात नहीं, चलो अगर मान सम्मान देंगे तो देख लेंगे, भाईचारा ने छत्ती बरादरी ने सारा कमेरा वर्ग ने पूछ लेंगे, मैं कंधे और लड़ लेंगे, नहीं कंधे और रहने देंगे, मैं अपना एजेंडा है यार। हाँ मैं लो अभय सिंह ने आपते टिकट दे दी, चौटाला साहब ने आपते टिकट दे दी, आप पहले समाज तक पूछोगे भाई टिकट मिला है मैंने चुनाव लड़ूँ या ना लड़ूँ, या टिकट मिल दी तैयार हो जाएगा भाई मैं तो आ गया मैदान में? नहीं नहीं, पहले समाज, टिकट बड़ी नहीं होती, समाज बड़ा होता है। अच्छा। पहले समाज ने गाँव ने गुआंढ ने जितने भी साथी लगे साथ में हैं उनको पूछेंगे, भाई कंधे हो जाए लड़ लेंगे, अन्य अगला दिखा दें चौधरी साहब तो और घे दे दोगे। एक बात और पूछना चाहूँगे, परिवर्तन यात्रा शुरू कर दी है अभय सिंह ने, कल से शुरू है शायद, कल से आपका कितना सहयोग करवाओगे उसमें? देखो जैसे भी गांव काफ़ी गाड़ियाँ जाएंगी कैथल से, हम भी अपने यहाँ जरूर गए गाँव में, हम तो कुंडू साहब आए थे उससे मिलकर आए मैं तो। अच्छा, जो किसानों की आवाज़ उठावा तो उसका मान सम्मान करो, किसी पार्टी का हो कुकरे हो, अच्छा ये नहीं भी मैंने जो पार्टी वाले कई गीत गाने हैं, जो अच्छा काम करेगा अगर आ रहे हैं अपने शहर में आ रहे हैं अपने डिस्ट्रिक्ट में गांव में उसका मान सम्मान करना चाहिए। जो अपना संगठन आपने तैयार करें धन्ना भगत किसान यूनियन, कितने दिन में इसने स्थापित कर दियो पूरा हरियाणा में, प्रदेश अध्यक्ष युवा अध्यक्ष जितने भी हैं कब तक बनाए दोगे आप? अभी 3-4 जिले के तो बन गए और बाकी भी 7 दिन ब्याह चल रहे हैं, जिस तरह फ़ोन करा हमने बस अब 10-1 दिन रुक जाओ, 10-15 दिन रुक जाओ, अभी पोस्टर रोड झंडे बनने दे रखे हैं, इसको रजिस्टर भी करवाएंगे, बिल्कुल एक नंबर का काम करेंगे, ना किसी से पैसे लेते, पर्ची तो छुपवाते नहीं हम, अगर कहीं समाज बैठे है तो हम कह देंगे भाई सोनू तेरे पर पानी से मरा 1000 रुपया केड़े खड़ा दे, हाँ। सामान ले आ, सामान बच गया गुरुघर में दे आवेंगे। अच्छा, पीछे भी हमने जब बिजली के मुद्दे पर 18 दिन बैठे, लोग बोले भाई इतने इतने पीछे इकट्ठे में पैसे नहीं इकट्ठे करने, सामान ले आओ, कोई आटा ले आया, कोई नमक ले आया, कोई चीनी दाल घी, गुरुद्वारा साहब में तो रोटी आई करती, वहाँ रोटी खा ले करते, जो सामान आ जाएगा उल्टे उनकी गाड़ी में बैंगी में भेज देंगे। जो नए बालक हैं नहीं मतलब कि राजनीति में आ रहे हैं और बहुत से जो आगे भी आवेंगे, मतलब जिस टाइम वो पूरी मेहनत है सरकार बनाए दे हैं और जिस टाइम सरकार बन जाए है नहीं, नए बालक उसके खिलाफ तो खड़े हो जाए, उनके काम नहीं बनते या क्या कारण है, मतलब ऐसी कहना बता दिए 10 दिन पहले घुस पार्टी का एजेंडा उठाए रखे हैं और फिर गाली कोसने लग जाए होने, जो बड़ी पार्टी होती है नहीं वो सेंटर तक चल रहा है और सेंटर देने तो कभी कई तो अमेरिका तक भी चल पड़ा है, उनका दबाव होता है, पार्टी तो हमेशा अपनी क्षेत्र वाली होनी चाहिए, क्षेत्रीय पार्टी, उनको पता होता है भाई क्या दिक्कत है कैसे है, वो अपना कानून बना देंगे, जो लोगों की समस्या उनको दूर कर देंगे, क्षेत्रीय पार्टियों को बीच बीच में समय देना जरूर चाहिए। एक बार बीजेपी बना दी, कोई कांग्रेस बना दी, अब लोग कहने का अभी उठ डगिया हुआ है, उठ डगिया हुआ तो दो जिले की है, ढाई हो गए रोहतक सोनीपत और आधा झज्जर, पूरा हरियाणा का सीएम तो नहीं है वो, पूरा हरियाणा का सीएम चाहिए हमने। इन्हें लोगों ने कहाँ लग देख रहे हो आप, कितनी सक्सेस होने पाएगी परिवर्तन यात्रा के बाद में? वो तो अभी समय बताओगे, परिवर्तन यात्रा में पता चलेगा, बाकी लोग जो अभय सिंह ही एक ऐसे आदमी है जो आवाज अकेला आदमी आवाज़ उठाता है, उसको फिर बाहर निकाल दे फिर वही आवाज़ उठावे, लेकिन आज विपक्ष में कांग्रेस है, उसने कहीं भूमिका नहीं भाई कोई किसी आंदोलन में दी, क्योंकि वो चोर हो रहे हैं खुद, ऊँटी जब कुछ बोल रहा है जो ही गिट्टी पकड़ ले बीजेपी वाले वो फिर छुटा दिया, नहीं ठीक रहो ये बोल दे को नहीं, जिसके पास 30-32 MLA हो तो भी तरदू मठाकर रखे हैं वो होने की बात है बोल रहे। अभी चौटाले की एक टैग लाइन है लोग माम निकल दिया बात लोग कमाए हैं, उसके इनैलो वाले ज़्यादातर कमाए हैं कि अभ्य सत्य है,
ऐसा क्या कर देगा भाई, सत्य नाम जुड़ गया अभय के पीछे कि अभय ही सत्य है, मतलब जो बोल देता नहीं वो करके दिखा हुआ जुबान पर खड़े है। अच्छा कदे आप गले भी ऐसा काम होया कि भाई अभय जो बात आपकी उठ ली और वह करके दिखा दियो, वो तो भी देखेंगे भी। अच्छा पर वो कोई बात को नहीं, अपना पेट नहीं पिटे कर दे, अगर राज्य की सरकार अच्छा काम हो सभी का भला होना चाहिए। अच्छा अच्छा अपना मन तो बोले जे नारे लाने में ज़्यादा मजा होगा, उदय लाल के चेले हम तो विपक्ष में मतलब आवाज़ उठानी चाहिए, विपक्ष भी मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। आज हिंदुस्तान में विपक्ष नहीं है, जो भी आज किसान का मेरा वर्ग आवाज़ उठाता है हाँ। वो विपक्ष का काम था हाँ। विपक्ष मर रहा है, चाहे तो मनमानी कर रहे हैं, विपक्ष भी इतना ही मजबूत होना चाहिए जितना पक्ष है। अच्छा जी, थोड़ा बहुत फर्क रहा है जो 5-10 सीटों का, लेकिन विपक्ष मजबूत हो रहा है, देश के लिए खतरा है। एक बात होता है होशियार सिंह जी, मान चल बच्चे हाँ, आपने तो पहले की राजनीति देखी होगी, बड़े नेता रह लिए जो, पहले की राजनीति में और आज की राजनीति में कितना फर्क है गया, जो पहला वाले नेता कैदे कर दे, मतलब कि लोग उदाहरण देवे हैं ताऊ देवीलाल ने जो कह दिया था वो करके दिखा दे करता, और आज के नेता हैं इस मतलब के गड़बड़ है कि भाई आज वाले वादे तो कर ले लेकिन उन्हें पूर्ण कर नहीं पाते हैं। वो धरती से जुड़े लोग थे, मेहनत कर काय कर दे, ये पता क्या ठगी ठोरी मारा है, शॉर्टकट में पैसे कमावा है, फिर वो हैं वो बन जाते हैं समाज सेवक, बन जाते हैं थोड़े दिन, कदे कुछ बैंड है कदे कुछ बैंड दिया समाज सेवक में गया, फिर वो पैसा देकर टीट लिया हुआ, यू सारा गिरोह इन इकट्ठा हो रहा, ये खट्टर साहब और ना किस चीज़ का बेरा, उनको तो ना परिवार का बेरा ना कहेगा बेरा, ये जो परिवार वाला ही आदमी परिवार के बेरा भाई आज फीस भरनी है, आज ट्यूशन कराने, आज कुछ भी करना, बच्ची लड़की की शादी करनी है, बात आ गया खट्टर ने कहेंगा मोदी साहब और तो अपने छोटे फिरे, जो अपने छोड़ गए अपने नहीं बसाए होती दूसरा के बसावेंगे, वो काम हो रहा भाई ना तो हमने बसाया मारा ना बसने जाएंगे तारा। अच्छा जी, नारा लाव गऊ का हाँ। इनका गऊ है ना इनका बहू है। अच्छा जी हाँ, इनकी तो अपने खिचड़ी बनावे खावे, और भारत माता की जय बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हम लेन देने कुछ है ही नहीं। अच्छा जी, सरकार तो जो किसानों की खास मांग आप रखना चाहते हो खट्टर साहब, तो आप ना लग है कि भैया खट्टर साहब पूरी कर सके हैं, कोई ऐसी डिमांड हो आपकी सरकार के, अगर अच्छे भाग होंगे नहीं जो तीन काले कानून लागू करे, 13 महीने आप बिरयान माटी करी, उनकी बिरयान माटी हुई वह भी निकली जान दे, इसकी तरफ ऑर्गेनिक की तरफ जाना था, ऑर्गेनिक जैसे खाद बीज दवाई जितनी भी है नहीं ऑर्गेनिक की, ठीक है अपनी खपतवार कम होती कोई नहीं, आप तो टोटा में रहकर राजी 1-2 साल आप खेल लेंगे हाँ। क्योंकि ये धरती अपनी ऑर्गेनिक इसने केमिकल ने ख़राब कर दी हाँ। वो ऑर्गेनिक की तरफ जान दे, अब अपने कोई फसल का सैंपल बाहर भेजें दूसरे देश वाले लेंदे को नहीं, ये भी गेहूँ न्यू ले रही है उन दोस्त, बाहर लड़ाई चल रही है उनका गेहूँ कर दी, गेहूँ कम हो रही है नहीं, अपना तो जीरी ने कोई पूछता नहीं बाहर, गेहूँ ने नहीं पूछता, अगर जो जीरी जावा फिर अपने सेलर वाले छपेरी को तो बासमती बीच में को 21-11 वो बुम्बा ठोक का है, आप तो एक बार पैसे कमाए जाए अगली बार फैल सैंपल हो जाए, मार किस पर पड़ा है, किसान पर पड़ा है। जो छोटे किसान हैं उन्हें आप के संदेश देना चाहोगे, मतलब एक को फसल का पीछे पड़ रहे हैं कि भाई धान लगा दी कटाई करी, धान की गेहूँ बो दी, गेहूँ की कटाई करी धान लगा दी, एक के फसल का पीछे पड़ रहे हैं, मतलब खासकर जो अपना एरिया है जो छोटे किसानों का, तो मैं यही कहूँ भाई सब्जी छोटा ये फूल की खेती रो इसी से बढ़ जाओ, जो आपका संगठन है मतलब को ऐसा मंच भी लिया इसका किसान खातर भाई कि जिसमें एग्रीकल्चर विभाग और लोगों ने जागरूक करा कि भाई आप यहाँ खेती करो माँ आपकी सपोर्ट करेंगे। हाँ कोई दिक्कत को नहीं, वो भी गांव में गांव वाइज अगर आप तो इसकी शुरुआत करना चाहोगे जागरूक करना खातर छोटे किसानों ने जागरूक, क्योंकि बड़ा तो टेम काट ले बड़े तो आपने बेरा है, जितने बड़े किसान हैं वे तो ठेका पे दे के पार बोल रहे हैं, उनके पहले पीछे आ जाए उनके, तुम जो छोटा किसान है ना वो मरिया पड़िया है बेचारा, ये तो छोटा किसान का जिसका बालक प्लस टू कर गया नहीं वो तो किला का बैरो लाने लग गया हाँ, क्योंकि उरे तो सगाई होती नहीं, ट्रेंड चल पड़िया बैर बाहर जाने लग गया हाँ, अगर जो भाई उरे रह रहे नहीं इसने कट लग ठीक मान हो आप भाई, बाकी बेरोजगारी ने अद मचा रखी है कि भाई बालकान लोग बैरो बेचने लग रहे हैं, चाहे कुछ करो जमीन बेचो अपनी जायदाद बेचो या किसी का गहना धरो, ये तो सरकार ऐसे फल हो रही है। अच्छा, रोजगार नहीं है आज जो किसान मेरा वर्ग के बच्चे प्लस टू कर दे बाहर का रुख कर रहे नहीं, क्योंकि यहाँ का माहौल खराब हो चुका है, यहाँ उनको भविष्य अच्छा नहीं लगता, मतलब भविष्य अगला अंधकार में है, वो बाहर जाने लग रहे हैं, आने वाले समय में जो किसान कमेरा वर्ग के जो देश के लिए लड़ने वाले लोग कमेरा वर्ग है वो बाहर चले गए तो पीछे पाकिस्तान वाले अंदर बढ़ने के लिए टाइम नहीं लाएंगे। अच्छा हाँ, ये सरकार को संदेश देते हैं वे जल्दी से जल्दी उनकी सुने टाइम उनको मतलब। रोजगार दो
ये भी फौजियां की गई थी 4 साल ली, ये वो चार वाले भी नहीं भर्ती करते, मतलब इतना तो भरते बतेरे बुगियां में बैठे हैं, तुम चार वाले तो भर लियो, कानून कानून बनावा है। तो ये जो एक नया मुद्दा और छेड़ रहा है कौशल रोजगार वाला, इसने आपका डलग ठीक मानो नेता की मनमानी चल रही है कि नहीं समा भाई अपने चाहते ना भर्ती करा है या कोई मतलब ऐसा सिस्टम है लग गया अपने ना, इनके नेता की चल रही ना किसी इनके वर्कर की चल रही, इनका तो बेरे नहीं पड़ता किसकी चल रहा है। पहले अपने जो क्षेत्रीय पार्टी सरकार थी उसमें तो एक वर्कर चलाया दे करता इतनी, ये तो जिस दूर जावा लीला राम दूर जा करने मेरी माँ की सुन। अच्छा होशियार सिंह गिल जी ने अपना अंगरक्षक भी रख लिया कि बाइक है रिवाल्वर दिख रही है हमने डूंगा पर टंगी हुई, आइए भाई एक बार दिखाइए राय, नाम बता रहे भाई सबसे पहले दर्शक मनोज कुमार भाई। यू न्यू क्यों कराया शहर हाल तो वह बंदूक मामला तो डरा गुरु तो ना ना और बड़ा भाई गला बस। अच्छा सपोर्ट कर रहे हो भाई की, कितना बढ़िया काम कर रहे हैं? बढ़िया कर रहे हैं भाई साहब से, मैं तो आज फर्स्ट टाइम ही मिला हूँ तो। अच्छा लेकिन बढ़िया कर रहे हैं। अच्छा छाती ठोक का कैश को भाई शहर अगले रहा हाँ हाँ बिल्कुल शहर के साथ, अभी वीडियो में नहीं आ रहे हैं आपके सामने। अच्छा ठीक है, इसका खुद का काम था। अच्छा 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 नमस्कार जी, राम राम, जय जवान जय किसान। देखो जी होशियार सिंह अभी तक सही काम कर रहे हैं, लोग कहते हैं कि ये अपनी पर्ची बना रहे और अपने वो काटता है चंदा, आज तक कोई पर्ची नहीं काटी, और दिल्ली 1.5 साल काम किया सिडोनी साहब के साथ, और उन्होंने इसकी जो जिम्मेवारी लगाई वो निभाई, लेकिन इन्होंने किसी की पर्ची नहीं काटी ना किसी से 5 रुपए लिया। अच्छा 18 लाख के कनेक्शन है जो बिजली के, वो दुआए हरे कैथल के, और अब आगे के भी जो जिसने पैसे पर रखे आगे की तैयारी है। अच्छा कनेक्शन का नाम पे एक बात और याद आएगी सर सिंगल जी मेरा, किसी पार्टी का घोषणा पत्र में कह रखा था कि भाई जो ट्यूबवेल कनेक्शन है नहीं ये बिल्कुल मुफ्त बनना हमारी सरकार आने के बाद, और लेकिन किसानों ने 8-8 सालों के पीछे पर रखे हैं, आज लग भी उनके खेतों में ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं पहुंचा है, बोर बैठ लिए कराए हुए फ्री में तो कहाँ देने थे, 2014 से 2018 के निकाल रहे हैं 32 कनेक्शन थे अपने कैथल के, ये तक मन दिखा 2000 के नेड़े लग गए हो गए, और पैसे फुहरा सिस्टम के 45-50 हज़ार रुपया अलग भरवा लिए, ये आप वाले गाँव तो सारे इसमें आवा हिमालय 25-30 गाँव तो निकल गए थे, जिसका 100 फुट से नीचे पानी है नहीं मोटर जावा, वो सारे का फुहरा सिस्टम है, फुहरा की खेती करोगे। हाँ मतलब कि बहुत जगह अभी देखी होगी आपने बात, फुहारे सरकार ने दे दिए 50-50 हज़ार रुपये उसके रह लिए, और मैं अपना एरिया तो मेरा चाहता है किसी काम के को नहीं है, बस पे ताना सही है ये मज फंसा आदमी क्या नहीं करता। अच्छा। और नहीं सोचा भाई इतने पैसे लगा लिए 50 हज़ार रुपये और लगा ले और काम तो गए, तो उनके इस मुद्दे पर कोई भी किसान संगठन नहीं बोले जड़ लग मेरा ख्याल है। देखिए हम 18 दिन दिहाड़े भरे, ये उधर के लोग काफ़ी आए हैं, जब मारा तितर मोड़ से आगे आगे सौदा ने ये तो आ जाए, ये भी इधर वाले कम आए हैं, ये जब आएंगे सिरों की गिनती के साथ ही कानून पलटे जावा, मुद्दा तो पूरा हरियाणा का था, चलो आप आएगा आई लाइट यहाँ कर देते कैथल तो दूसरे भी खड़े हो जाते, अब बात तो लोगों की है, जो लोग आएंगे तो भी बात तो बनेगी। अंत में चढ़ता रहना दर्शकों ने सियार सिंगल जी क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई सभी से कहता हूँ भाई सारा किसान का मेरा वर्ग अपना एकजुट हो, जब भी कोई किसानों की समस्या हो किसी पार्टी से कोई संबंध रख रहे हो हमने उससे कोई लेना देना नहीं, जब भी कोई समस्या हो बढ़ चढ़ कर भाग लें, और जो अपने नए नए बालक अपने इनकी चैनल खोले हैं जो भी इन की बदौलत ही अपने जो दिल्ली का आंदोलन है वो जीते थे, क्योंकि बड़ी बड़ी जो अडानी अंबानी के जो बड़े बड़े चैनल थे वो तो एंकर लिए थे, अपनी माड़ी बेसिक्स क्या दिखा देते अच्छी तो उनकी दिखाई नहीं, अगर कोई एक गलती होगी नहीं उसको तो उठा देते थे, जो उनकी सो अच्छाई थी रहा चल देना रोटी पानी सेवा करे करते वो नहीं दिखाई, एक गलती पाएगी जो आप वर्गे नए चैनल थे अपने यो किसान कमेरा वर्ग के बैठेंगे उनका उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और उनकी ही मेन भूमिका निभाई है। ये थे अपने साथ होशियार सिंह गिल जी जिन्होंने हर सवाल का जवाब बखूबी दिया, बाकी आप बता दी कमेंट में कोई कमी रही हो तो, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।